अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम फ़ाज़र गी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड ETC चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो अभी हम इस टॉपिक पर आए हैं कि मोबाइल के अंदर जो है यूट्यूब का थंबनेल कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे एडिट किया जाता है। काफ़ी सारे लोग जो यूट्यूब के चैनल बना लेते हैं, वीडियो एडिट करके वीडियो अपलोड भी कर लेते हैं, लेकिन थंबनेल अपलोड करना नहीं आता, थंबनेल को एडिट करना नहीं आता। तो बिना वेस्ट किए, टाइम वेस्ट किए अभी आपको बताते हैं कि कैसे एडिट करना है। तो अभी अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर लेटेस्ट आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले डाउनलोड कर लेते हैं प्ले स्टोर से पिक्सल ऐप, पिककॉर्ड डाउनलोड करते हैं। दो एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी होगी। तो मैंने ये डाउनलोड कर रखा है, तो अभी अपडेट मांग रहा है, तो मैंने अपडेट डिस्कनेक्ट नहीं करना है। तो ये ऑलरेडी आपने डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो अभी आपने दूसरा जो सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, वो है PIXLAB, ठीक है। तो ये भी मैंने इसको डाउनलोड कर रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जाएंगे पिककॉर्ड में, ये देखें। ठीक हो गया, तो सबसे पहले हम प्लस वाले बटन पर क्लिक करेंगे। तो हमने यहाँ से जो है ना इमेज को सिलेक्ट करना है, कौन सी हमने इमेज को सिलेक्ट करना है। तो इसमें से हमने एक इमेज को सिलेक्ट कर लिया, आगे ऐड आ गया है। ऐड के बाद आप एडिट कर सकते हैं। ये सबसे पहले आपने कट आउट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, उसके बाद ये तीन ऑप्शन बता रहा है, पर्सन, फेस, हेयर, हेड, बैकग्राउंड। तो आपने पर्सन वाले पर क्लिक कर देना है। ये ऑटोमेटिकली फोकस किया है इसने। अच्छा, तो इसका जो है बाजू वाला हिस्सा रह गया है, तो इसको रिस्टोर पे क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो गया। अभी रेजर से इसको भी रेज कर दिया, तो ये हमारी इमेज जो है रेडी है। अभी हम देखेंगे, ये देखें हमारी इमेज जो है रेडी हो चुकी है। तो सेव कर लेना है गैलरी में, ये सेव हो चुकी है। अभी हमने PIXLAB में जाना है, तो इसको कैंसिल कर देना है, मैंने पहले बनाया था। तो सबसे पहले इसको रोटेट कर देना है। तो हम जाएंगे अभी ये जो थ्री डॉट वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे लिखा है इमेज साइज पे क्लिक करेंगे, कस्टम पे जाएंगे, ये देखें। तो इसमें से यूट्यूब थंबनेल पे क्लिक करेंगे, ओके। ये देखें ये जो अभी है ना 1280x720 PPI में आ गया है, थंबनेल का साइज़ बन चुका है। तो सबसे पहले हम इसमें इमेज डालेंगे अपनी, वो जो गैलरी में हमने सेव की थी, फ्रॉम गैलरी, ये बढ़िया है, डन कर दिया। इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम टेक्स्ट पे लिख लेते हैं, ओके हो गया। उसके बाद ये देखें, उसके बाद हमने सेलेक्ट करना है ए को, ए वाले बटन पे। उसके बाद जाना है फॉन्ट पे, फॉन्ट पर जो भी आपको पसंद है वो कर लीजिए। फॉन्ट मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैं ये सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद हमने जाना है स्ट्रोक पे, ये देखें स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे, इसको ऑन करेंगे तो इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो ज़्यादा अच्छा और क्रिएटिविटी आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद उसके बाद
ये देखें, उसके बाद हमने सेलेक्ट करना है ए को, ए वाले बटन पे। उसके बाद जाना है फॉन्ट पे, फॉन्ट पर जो भी आपको पसंद है वो कर लीजिए। फॉन्ट मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैं ये सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद हमने जाना है स्ट्रोक पे, ये देखें स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे, इसको ऑन करेंगे तो इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो ज़्यादा अच्छा और क्रिएटिविटी आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये हो गया, उसके बाद ओके कर देंगे। उसके बाद हम जाएंगे शेडो पे, तो इस पर क्लिक करेंगे, इसे ऑन कर देंगे, थोड़ा सा ये भी बढ़ा देते हैं तो डन कर देंगे इसको। तो अभी हम लेते हैं न्यू टेक्स्ट, तो इस पर लिख देते हैं लिख लेते हैं, ओके कर दिया। तो इसका भी हमने फॉन्ट चेंज कर देना है जो भी आपको अच्छा लगे, तो मेरे ख्याल से ये ठीक रहेगा। ओके, तो इसको अभी इसको बैकग्राउंड डाल देते हैं, इसका बैकग्राउंड का रंग जो है वो येलो कर देते हैं, ठीक है आपकी मर्ज़ी जो भी आपको पसंद हो। ओके कर दिया, उसके बाद इसको थोड़ी सी शेडो ऑन कर देते हैं, ये देखें। उसके बाद थोड़ा सा स्ट्रोक डन कर दिया। उसके बाद हम न्यू टेक्स्ट लेते हैं, एक और लिख लेते हैं ऑन मोबाइल, ऑन मोबाइल डन। ओके, तो इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर देते हैं, तो इसकी थोड़ी सॉरी इसको थोड़ा सा बना लेते हैं, मूव कर देते हैं थोड़ा सा। ओके हो गया, तो स्ट्रोक डाल देते हैं इसमें भी, और आपकी मर्ज़ी है ग्रीन कर दें, मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। तो ओके हो गया, गुड। तो इसको भी ऑन कर देते हैं, इसको भी, ये देखें आपका जो है HD थंबनेल बन चुका है। तो उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है, एज सेव एज इमेज पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो इमेज है वो सेव हो चुकी है, सेव टू गैलरी ऐड आएगा, उसके बाद जो है आपका थंबनेल रेडी हो चुका है। अभी हम गैलरी में जाएंगे, ये देखें आपका जो थंबनेल जो है वो HD बन चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, गुड बाय।